सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं दाल गोश्त। तो ये हम बना रहे हैं मटन में और दाल हम डालेंगे चने की दाल। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो चिकन में भी बना सकते हैं और इसकी एक रेसिपी चिकन में और मटन में दोनों में ही मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वो थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, आज की थोड़ी सी अलग रेसिपी है। तो आइए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो 1 किलो मैंने बकरे का गोश्त लिया है और इसको अच्छे से धो के छन्नी में डाल दिया था। अब इसका पानी अच्छे से निचड़ गया है और दाल की क्वांटिटी फिक्स नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी लें। मैंने तकरीबन 250 ग्राम चने की दाल ली है, इसको अच्छे से मैंने धो के और 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। दाल जो है आपकी अच्छे से भीग जानी चाहिए क्योंकि हम इसको गोश्त के साथ ही गलाएंगे, अलग से बॉइल नहीं करेंगे। तो बकरे का गोश्त जल्दी गल जाता है, इसलिए आपकी अगर दाल अच्छी भीगी हुई होगी तो गोश्त के साथ ही गल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा मैंने लिया है बारीक कटा हरा धनिया, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 हरी मिर्चों को मैंने मोटा मोटा काट लिया है, खड़े गरम मसालों में मैंने लिया है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 हरी इलायची, 5 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च। और मसाले वही सिंपल हैं जो सभी ग्रेवीज में जाते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया, 2 टीस्पून मैंने लिए है पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है नमक और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। नमक और मिर्च आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। उसके अलावा 2 बड़े साइज की मैंने प्याज ली है और इसको बहुत बारीक काट लिया है, 3 टमाटर लेके मैंने इनको भी बारीक काट लिया है। ये सभी चीजें हमारी सालन में जाएंगी। और उसके अलावा मैंने एक छोटी प्याज ली है, ये देखिए छोटी है और इसको मैंने बहुत बारीक काट लिया है। इसका हम सालन के ऊपर से तड़का लगाएंगे क्योंकि दाल गोश्त या कोई भी दाल बनाते हैं तो उसका जो ऑयल होता है वो सालन में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी वजह से उसके ऊपर रौनक नहीं रहती है। तो अगर आप ऊपर से तड़का लगाते हैं तो आपके जो सालन है उसका बहुत अच्छा लुक आता है। तो आइए हम अपना दाल गोश्त बनाना शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया है, जितना भी आप टोटल ऑयल अपने सालन में डालना चाहते हैं उससे आधे से थोड़ा सा ज्यादा आप ले लीजिएगा। और इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ खड़े गरम मसाले, कुछ सेकंड में इन्हें पकने देती हूँ। अब डाल देती हूँ मैं इसके अंदर प्याज और प्याज को हम बस इतना पकाएंगे जो प्याज का कच्चापन है वो खत्म हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, गोल्डन हम नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो प्याज है इसका कलर चेंज हो गया है, ये गुलाबी हो गई है। ये मैंने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई की है। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ सेकंड इसे भी फ्राई कर लेते हैं और अब हम डाल देते हैं इसके अंदर मटन। गोश्त को अच्छे से भून लेते हैं। ताकि गोश्त का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और जो इसकी स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। गोश्त को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है, ये देखिए आप इसका जो कलर है वो भी बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब हम डाल देते हैं इसके अंदर सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और हल्दी, इसको भी मैं 1 मिनट के लिए भून लेती हूँ और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। तो 1 मिनट मैंने गोश्त को भून लिया है, अब एक थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल के 1 से 2 मिनट और भूनूंगी। ये देखिए हमारा गोश्त और मसाला कितना अच्छा भुन गया है और इसमें से ऑयल भी अलग हो गया है। तो अब हम डाल देते हैं इसके अंदर टमाटर, तो थोड़ी देर हम इसे भी पकने देते हैं ताकि जो टमाटर है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो बस कुछ मिनट में इसको पकने देती हूँ ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए।
देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं और गोश्त कितना अच्छा भुन गया है, बिल्कुल ऑयल जो है इसमें से अलग हो गया है। तो बस अब हम डाल देंगे इसके अंदर दाल। साथ ही में हम इसके हरी मिर्च और इसको मिक्स कर लेते हैं। ज्यादा भूनने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि गोश्त पहले ही मैंने बहुत ज्यादा भून लिया है, तो बस अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देते हैं हम इसके अंदर पानी, तकरीबन एक गिलास मैंने पानी डाल दिया है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और गोश्त को और दाल को गला लेते हैं। अगर हमें और पानी डालने की जरूरत पड़ी तो फिर हम जब गोश्त गल जाएगा तब देखेंगे। तो अब मैंने ढक्कन लगा दिया है, पहले मैं मीडियम फ्लेम पर एक सीटी लूंगी, फिर लो फ्लेम पर मैं कम से कम इसको 10 मिनट गलाऊंगी या फिर जब तक कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल नहीं जाता। देखिए हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है और दाल भी साथ में बहुत अच्छे से गल गई है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। आप अपने हिसाब से इसको ऐसे ही रख भी सकते हैं और चाहें तो आप इसको घोट सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से रखूंगी। बस थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी शोरबा बनाने के लिए। थोड़ा सा और जाएगा। तो एक गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब आप चाहें तो इसको अच्छे से घोट सकते हैं, लेकिन मैं नहीं घोट रही हूँ। अब मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया, और इसको 2 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पर पकने दूंगी ताकि जो इसका हमने अभी पानी डाला है वो अच्छे से पक जाए। और अब हम तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन के अंदर 1/4 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। और इसके अंदर डाल देती हूँ प्याज, जो कि मैंने एक छोटी सी प्याज ली है, और इसको मैं लाइट गोल्डन फ्राई कर लेती हूँ। हमारी लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है, अब हम इसको अपने सालन में डाल देते हैं। अब गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए तैयार है हमारा दाल गोश्त, कितना जबरदस्त ये नजर आ रहा है। आप इसको खा सकते हैं रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, या फिर आप इसको चावल के साथ भी खाएंगे तो ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।